हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूं, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह ये पर्सन आपको लेकर के सनर्जी में रहे, के सोच में रहे, क्या कुछ इस इंसान ने आपको लेकर सुबह सुबह महसूस करा, क्या आपको याद करा भी या नहीं, किस तरह से और क्या, इन सभी चीजों को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या क्या चेंजेस आए हैं इनकी एनर्जीज, इनकी फीलिंग्स में, गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ट्रैप्ड इन फियर, गाइड कीजिए, बताइए, स्पिरिट गाइड, उसके पर्सन की करंट एनर्जीज के बारे में बताइए, स्पिरिट गाइड, इमोशनल लॉस, गाइड कीजिए, बताइए, स्पिरिट गाइड, उसके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए डिवाइन। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मूविंग ऑन, शैडो, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए उसके पर्सन की करंट एनर्जीज, इम्पास, इमोशनल लॉस को लेकर भी उसके पर्सन की करंट एनर्जी प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। कंफ्यूजन, इंपेशेंस, आइसोलेशन, बैलेंस। व्यूअर्स, अगर राशियों के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और ये आपका पाइसेस, ये मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रहा है। एंड नंबर के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 8, 5, 2, 6, 18 एंड 9। एंड मंथ के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे अगस्त, मई, फरवरी, जून एंड आपका सेप्टेम्बर, ये मुझे आपके लिए काफी खास बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपको अपने पास्ट से रिलेट करके देखना होगा। ठीक है, देखिए ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि एक वक्त इस इंसान ने हो ना हो किसी और के जैसे बनने की कोशिश करी, किसी और की परछाई बनने की इस इंसान ने कोशिश करी, या किसी और के नक्शे कदम पर चलना एक वक्त इस इंसान ने स्वीकार करा। और यहाँ पर इस इंसान ने उस पल में ये नहीं सोचा, ये नहीं देखा, ना ये जानने की कोशिश करी कि जिसको ये फॉलो कर रहे हैं वो अल्टीमेटली कितना सच है और कितना झूठ। यानी कि एक वक्त इस इंसान ने किसी और रिश्ते में बैलेंस ढूंढने की कोशिश करी और इसके चलते इन्होंने आपके साथ के रिश्ते का जो भी बैलेंस था उसे पूरी तरह से डिसबैलेंस में इन्होंने कन्वर्ट करा। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है ना, जिसको इन्होंने फॉलो करा, जिसकी परछाई इन्होंने बनना स्वीकार करा, उस इंसान ने कब इन्हें पूरी तरह से ट्रैप्ड कर दिया, कब इन्होंने इस इंसान के रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए, जो आपकी तरफ इन्हें लेकर जा सकते थे या फिर इस इंसान से इन्हें बाहर निकाल सकते थे, वो सभी चीजों को इस इंसान के थ्रू बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है। और जितना ज्यादा इनके थ्रू सोचा जा रहा है उतना ज्यादा ये इंसान अपने वजूद को, अपने आप को, सबको पूरी तरह से हुए खत्म होते हुए एक अंधकार में जाते हुए महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और यही एहसास इस इंसान को व्यूअर्स इमोशनली वे में बहुत ज्यादा तोड़ रहा है, इमोशनली वे में यही एहसास इस इंसान को रोने के लिए मजबूर कर रहा है। एज एन उस वक्त पे तो जोश में आकर, तैश में आकर इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी तरफ के रास्ते खुद बंद कर दिए, आपसे दूरियां खुद से मेंटेन कर ली, और अब किस्मत ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने उस जगह पर लाकर पटक दिया जहां पर चाहकर भी आपकी तरफ ये अपने आप को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं, या चाहकर भी इन्हें आपकी तरफ के रास्ते अब खुलते हुए या खुले हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सिवाय अपने आप को ये इंसान इस पल में बादलों में घिरे हुए, कन्फ्यूजन्स में घिरे हुए, अंधकार में घिरे हुए पा रहे। और वही चीजें इस इंसान को इमोशनली वे में बहुत ज्यादा तन्हा महसूस करा रही हैं। ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ओवर थिंक के चलते या मेंटली तौर पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने के चलते ये पर्सन काफी ज्यादा बेचैनी भी अपने अंदर डेवलप होती हुई पा रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन जहाँ पर भी है ना,
वहां से कहीं ना कहीं आप तक पहुंचने की, आपको महसूस करने की, आपसे बात करने की इनके माध्यम से कोशिश तो करी जा रही है, लेकिन ये अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई तो इस इंसान की परछाई बने हुए है, या ये कह सकते हो किसी की तो निगाहें इस इंसान का पीछा कर रही हैं जो इन्हें आप तक पहुंचने नहीं दे रही है। और यही चीजें इस इंसान को व्यूअर्स मेंटली तौर पर और ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, या मेंटली तौर पर और ज्यादा इनके यहाँ पर युद्ध चल रहा है। कहीं ना कहीं कई बातों को सोच सोच कर ये पर्सन अपने आप को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, या काफी ज्यादा बेचैन होने के पीछे का रीजन यही बन रहा है। इस सिचुएशन से जितना ज्यादा अब ये पर्सन मूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे तो ऑलरेडी मूव करके इस इंसान ने यहाँ पर बैलेंस ढूंढना चाहा, यहाँ पे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी, लेकिन अब ये पर्सन जितना ज्यादा एक शो ऑफ की जिंदगी यहाँ पर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं, उतना ज्यादा जैसे अब इनका यहाँ से दिल भर गया है और अब ये चाहते हैं इस जगह से, इस दिखावटी दुनिया से ये अपने आप को बाहर लेकर आए, उस तरफ ये अपनी जिंदगी देखे, या उस तरफ ये जाए जहां पर इन्हें अपनी लाइफ में ग्रोथ दिखे, खुशियां दिखे, सुकून मिले। तो वो सभी चीजें इस इंसान को व्यूअर्स होना हो काफी ज्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर रही है। जैसे कि होता है इंसान चाहता कुछ और है और हो कुछ और रहा है, तो वो चीजें उस इंसान के दिल और दिमाग में महासंग्राम, महायुद्ध पैदा कर देती हैं। तो ऐसे ही एनर्जी है जो इनकी चाहत है, यानी कि आपसे जुड़ा हुआ ये रिश्ता, वो चाहत इनकी जैसे पूरी नहीं हो पा रही है, वो चाहत जितना ज्यादा अपना दम घोटते हुए इन्हें नजर आ रही है, उतना ज्यादा ये इंसान अपना रास्ता बंद होते हुए देख रहे हैं, या उतना ज्यादा ही इंसान को वो रास्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो एनर्जी, वो स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए ये देखते हैं इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपके पर्सन आपको लेकर सुबह से लेकर अब तक कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें तो काफी क्लियर हैं व्यूअर्स कि जिस भी हालातों में ये हैं, जिस भी जगह पर ये हैं, वो सिचुएशन, वो जगह इस इंसान के लिए एक जेल के बराबर, एक कैद के बराबर है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जो हालात, जो सिचुएशंस इनके वजूद को मिटाती जा रही है, उससे ज्यादा और कुछ इन्हें नहीं दे रही है। वो एहसास तो इन्हें अब भली भांति पूरी तरह से हो चुका है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में और क्या बनी हुई है। सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए। टेन ऑफ वैंड्स, बॉटम की एनर्जी है यहाँ पे व्यूअर्स। सेवन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो राशियां तो ओवरऑल अब सभी हो गई है व्यूअर्स, आई थिंक, तो अब राशियां डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। गाइड कीजिए बताइए, स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर। थ्री ऑफ सोर्ड्स, बॉटम इज एट ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। गाइड कीजिए ईगो, द स्टार एंड ओवरऑल एनर्जी है फाइव ऑफ कप्स की, ठीक है। तो राशियां सभी है तो राशियां डिस्कस नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं एक ऐसी वाइब्रेशन इस इंसान को अपने अंदर डेवलप होती हुई फील हो रही है व्यूअर्स की, जिस जगह पर ये अपने आज में है, जिसकी परछाई बनने की इस इंसान ने कोशिश करी, कहीं ना कहीं वहां से इस इंसान को सिवाय नेगेटिविटी के और कुछ हासिल नहीं हो रहा है, सिवाय वहां पर इस इंसान को सभी सिचुएशन, सभी चीजें ना अपने हाथों से जैसे फिसलते हुए निकलते हुए नजर आ रही हो। और यही फीलिंग, यही एहसास इस इंसान को यहाँ पर ऐसा एहसास दिला रहा है जैसे ये जितना भी इस सिचुएशन में, इस जगह पर अपनी पहचान बनाना चाहेंगे या वो बैलेंस ढूंढना चाहेंगे, वो इन्हें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस इंसान को एक नेगेटिव वाइब्रेशन
अपने आप से खुद ब खुद फील हो रही है जिस जगह पर ये पर्सन है, वहां पे हर एक इंसान को लेकर, हर एक पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीजें फील हो रही है जैसे ये इनकी भलाई के लिए तो नहीं है, इनकी खुद की भलाई के लिए हो तो होगा लेकिन आपके पार्टनर की भलाई के लिए नहीं है, तो उस तरह का एहसास इन्हें अब होने लगा है। जितना ज्यादा यहाँ से एक नेगेटिव वाइब्रेशन इन्हें फील हो रही है उतना ज्यादा इन्हें अपना जो आज है ना वो पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। एज इन जैसे कि होता है कि इंसान एक प्लानिंग करके चलता है कि अपने इस एज में उम्र के इस पड़ाव पे आके वो ये हासिल करेगा, ये बनाएगा, ये खरीदेगा, लेकिन यहाँ पर इस इंसान को उतना ही ज्यादा अपनी जिंदगी पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही है, जिसके लिए ये अपने आप को जितना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं खड़ा करने की, हिम्मत बटोरने की, उतना ज्यादा खुद से ये पा रहे हैं कि ये डर इन्हें धीरे धीरे करके इतना कमजोर करता जा रहा है, ये सिचुएशन, ये हालात इन्हें इतना ज्यादा कमजोर करती जा रही है, जैसे मानो ये पर्सन इस लड़ाई में लड़ नहीं पाएंगे या लड़कर भी ये हार ही बैठेंगे, तो वो एहसास इस इंसान के दिल में बहुत ज्यादा डर को डेवलप कर रहा है। कैलकुलेशन बहुत कर रहे हैं ये पर्सन और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि कैलकुलेशंस करने की इन्हें बहुत ज्यादा आदत भी हो, हर एक चीज को लेकर ये पर्सन प्री प्लान करते हो, लेकिन अब यहाँ पर जो प्री प्लानिंग करी जा रही है वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, कैसे अपनी आप को डेडिकेट करा जाए या कैसे उस जगह पर अपने आप को लेकर जाया जाए जहाँ पे ना किसी तरह का डर हो, ना सिचुएशंस पूरी तरह से टाइट हो, ना वहाँ पे एक स्लीपलेस नाइट हो जो ये पर्सन अक्सर अब अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जो इन्हें नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो सभी काम जितना ज्यादा इस इंसान को इनकी गलतियों का रियलाइज करा रहे हैं उतना ज्यादा ये इंसान उन सभी चीजों को कन्फेस करने की हिम्मत भी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। चांसेस मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि जिस भी गॉड में ये भरोसा करते हैं ना उनसे कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का कन्फेस भी इस इंसान के थ्रू करा जा रहा हो, ताकि अब ये जो भी अपनी जिंदगी में वर्क करें, जिनके भी साथ करें, वो लोग इन्हें सही मिले, सही गाइड करें। अपने इन हालातों को देखकर इस इंसान को इतना तो समझ में आ रहा है कि भ्रम क्या है और सच क्या है, और भ्रम में जब तक ये पर्सन रहेंगे तब तक ये यहाँ पे फंसे रहेंगे, ट्रैप्ड रहेंगे, और अब यहाँ पर समझ पा रहे हैं अगर उम्मीदों को बटोरना है, उम्मीदों को फुलफिल करना है तो कहीं ना कहीं इस भ्रम को तोड़ना होगा, और वो भ्रम है इनके ईगो नाम का, यानी कि हर एक चीज को, हर बात को इस इंसान के थ्रू अपने आपसे ईगो पर लिया गया। जैसे आपने कोई बात कही तो उस चीज में बजाय अपनी गलती एक्सेप्ट करने के, बजाय उसे सुधारने के, इस इंसान ने वहां पर अपने ईगो पर लेकर चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करा, लेकिन इस वक्त पे ये समझ में आ रहा है चॉइस इज योर्स, आप अपनी जिंदगी को सही भी खुद कर सकते हो, बिगाड़ भी खुद सकते हो, और वही चीजों को लेकर ये पर्सन इस वक्त में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके लिए चैलेंजिंग टाइम है, किस गुफा से इन्हें निकलना है, किस सपने को पूरा करना है, किस तरह की उम्मीद रखनी है और किस तरह का ये फ्यूचर चाहते हैं। इन सभी चीजों को लेकर इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स काफी ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेशंस तो करी जा रही है। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी जिन भी लोगों जैसे बनने की कोशिश करी, यहाँ पर ये चीजें तो है इमोशनली वे में उन लोगों ने सिवाय इस पर्सन को खाली करने के इन्हें और कुछ नहीं दिया, आपसे भी दूर कर दिया और अल्टीमेटली अपने आप से भी वो नहीं दिया जो इन्हें आपसे मिलना चाहिए था या मिल सकता था। वही चीजें इस इंसान को रातों रातों सोने भी नहीं देती हैं। पॉसिबिलिटीज ये भी दिख रही है जैसे कल रात भी ये पर्सन सो ना पाए हो, कल रात भी इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ वक्त गिना हो कि कब सुबह होगी, लेकिन सुबह आकर भी इस इंसान की वो कैलकुलेशन यहाँ पर रुकी नहीं है, उसने भी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लिया, तो वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। पॉसिबिलिटीज ये दिख रही है व्यूअर्स, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, या तो आप दोनों एक वक्त पे सेम प्लेस पे थे, या ये जो थर्ड पार्टी आप लोगों की जिंदगी में आई वो सेम प्लेस पे थी आपके पर्सन के, तो कुछ लोगों के केस में मुझे ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। अब बेसिकली इस इंसान के थ्रू इस चीज की कैलकुलेशंस तो करी जा रही है कि इन्हें लड़ना कहाँ है, किससे लड़ना है, क्यों लड़ना है, ठीक है।
हालांकि एक कैलकुलेशन पहले भी करी गई, लेकिन एक कैलकुलेशन अब भी यहाँ पर करी जा रही है। इन्हें इस वक्त में ये चीजें ज्यादा खाई जा रही हैं व्यूअर्स कि इन्हें इनके ईगो को, इनके घमंड को किसी और ने नहीं तोड़ा, इनके वक्त ने तोड़ दिया, वो चीजें इन्हें ज्यादा खाई जा रही हैं। चलिए ये देखते हैं इस एहसास के साथ ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देखती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं इस एहसास के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के सहारे बैठे हुए हैं कि एक ना एक दिन हम दोनों फिर से साथ होंगे। I get butterflies every time my eyes lock with yours, और इसी एहसास के साथ इनकी जो आंखें हैं वो आप पर ही जाकर रुक जाती हैं, थम जाती हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। I feel thankful to have you in my life, कहना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं ये आपके कि आप इनकी जिंदगी में आए। अगर आप नहीं आते तो कहीं ना कहीं ये गलत लोगों के साथ देते और गलत लोगों को ही सच मानकर उसी में शामिल रहते। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेम्बर, कहना चाह रहे हैं जैसे इनका ईगो यहाँ पर टूट रहा है ना, कि अब ये पहले जैसे इंसान नहीं रहे जैसे तुम्हें याद है, वो ईगोइस्टिक और नार्सिसिस्ट किस्म के अब ये पहले जैसे नहीं रहे। आई वॉन्ट टू मीट यू, अब बस अगर कुछ चाहते हैं तो आपसे मिलना, आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए व्यूअर्स ये देखती हूँ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कब आपके फेवर में काम करेंगे या किन किन हाउसेस में आपको काम करने की अभी जरूरत है, किस तरह से काम करने की जरूरत है ताकि आपका ये जो भी रिलेशनशिप को लेकर मुद्दा चल रहा है वो आपका सही हो जाए, तो ये देखते हैं। ठीक है, थर्ड हाउस गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड, ताकि मेरे व्यूअर्स को किस तरह का वर्क करना होगा। फर्स्ट हाउस एंड बॉटम इज प्लूटो। देखिए व्यूअर्स यहाँ पे ना आपको अपने फर्स्ट और थर्ड हाउसेस पे ज्यादा काम करना होगा। फर्स्ट हाउस जो बेसिकली मेष राशि को डिनोट करता है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को डिनोट करता है, एज एन आपको ना यहाँ पर अपने आप पर ज्यादा वर्क करना होगा। आपका जो फर्स्ट हाउस है जो अपनी पहचान को डिनोट करता है, जो अंडरस्टैंडिंग को डिनोट करता है, उसको आपको बिल्ड करने के लिए यहाँ पर काम करने के लिए बोला जा रहा है व्यूअर्स। एज एन यहाँ पे किस तरह का काम करने के लिए बोला जा रहा है, सेल्फ लव, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, कोई कम्युनिकेशन स्किल आपको अपनी जिंदगी में डेवलप करनी होगी, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा, और यही चीजें जो आपके अंदर अब कम है ना, इनके स्ट्रॉन्ग होने के साथ आपकी जिंदगी में चीजें अराइव होना यानी कि आनी शुरू हो जाएंगी जिस भी तरह से आप चाहते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए व्यूअर्स आपको सेल्फ लव करना है, और सेल्फ लव में जो भी आपका आता है आपको वो चीजें करनी होंगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन आपसे कहा गया है, आपने अक्सर सुना भी होगा। ठीक है, उसके अलग आपसे बोला जा रहा है कि आपका थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर है, उस पर भी आपको काम करना होगा। थर्ड हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है आपके मेंटल स्टेज को, आपके कम्युनिकेशन स्किल को, जो फर्स्ट हाउस भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन थर्ड हाउस के पास कम्युनिकेशन, मेंटल एनर्जी, ये सभी चीजें आती है। तो आपको अपने थर्ड हाउस पर भी वर्क करना होगा क्योंकि ये भी आपका कमजोर है। इसी रीजन की वजह से आप अपनी बात को सही तरीके से ना रख पा रहे हो, ना प्रेजेंट कर पा रहे हो। थोड़े से अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने थॉट प्रोसेस को आपको बदलना होगा व्यूअर्स। और उसके अलग व्यूअर्स अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ चीजें नए सिरे से रिबर्थ करनी है तो आपको कहीं ना कहीं अपने कर्मास को भी यहाँ पर सही बनाए रखना होगा, यानी कि जैसी सोच रखोगे, जैसे कर्मास आप बिल्ड करोगे, वैसा ही आपकी जिंदगी में चीजें अट्रैक्ट होंगी। तो आपको यहाँ पर इन इन
हाउसेस पर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, आपको किस तरह से अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, ये आपको आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर थोड़ी भी जानकारी मिली आपको, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आप अभी तक लाइक नहीं करे व्यूअर्स, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूं मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।